क्या बकवास सपना था। गुड नाइट। इसी टाइम ठीक है। दो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मैं आऊं। बेटा तो तुम जाओ, अभी मुझे अभी काम है, ठीक है ना। ये तो दादाजी की लाइब्रेरी है और ये रूम तो मेरे सपने में भी आया था। कहीं ना कहीं कुछ तो है, मुझे इसके अंदर जाना ही चाहिए। देखता हूँ क्या है इसके अंदर। ये ये क्या? ये तो यार लाइब्रेरी शायद दादाजी की थी और दादाजी ऐसे ही पेपर पढ़ते थे। मेरे दादाजी भी बहुत कमाल के थे कसम से। अरे एक मिनट यार, परसों मेरा भी रिचार्ज खत्म होने वाला है, तब तक मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा। यार ये तो सपने में बुक नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। शायद मेरा बहम हो, कुछ भी हो सकता है। इसको ऊपर ही रख देता हूँ। ये क्या? यार बुक तो काफी अच्छी अच्छी हैं। एक काम करता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैं बुक से पढ़ लेता हूँ।
रिसीव द कॉल जैक। हेलो कौन? हेलो जैक, मैं माइकल। आप बोल माइकल। यार तेरी आवाज इतनी घबराई क्यों लग रही? अरे तू मेरी बात तो सुन यार, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। यार पागल है, रात के 2 बज रहे, मैं नहीं आ सकता। अरे यार रात के 2 बज रहे हो, क्या हुआ यार? तू जल्दी आएगा, मेरे को तो तेरे कुछ दिखा रहे, तू जल्दी आ। ठीक है चल मैं आ रहा हूँ। अरे यार मैं तो यार जैक को बताना ही भूल गया, डायरेक्ट लाइब्रेरी में आना है। रुको मैं मैसेज कर देता हूँ। है जैक, आना तो जल्दी से लाइब्रेरी में आना। माइकल क्या हुआ? अरे जैक तू आ गया। हाँ बोल क्या हुआ? जैक यार तू कभी नहीं समझेगा कि मैंने अपने दादाजी की लाइब्रेरी में क्या पाया। एक नक्शा, वो भी खजाने का। क्या? एक खजाने का नक्शा? जैक तू एक मेथोलॉजिकल है और तू ही इसे सॉल्व कर सकता है। अब तू देख। माइकल इस नक्शे के मुताबिक हमें डेंजरस ट्रेवल करना होगा। सबसे पहले हमें प्लेटी एरिया होके जाना होगा। प्लेटी एरिया? हाँ प्लेटी एरिया। इसमें क्या खास है? प्लेटी एरिया जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसके कारण आने वाले सफर में कई रुकावटें आएंगी। जैक मैं इस खजाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और धूप क्या चीज़ है उसको मैं काट सकता हूँ। हाँ तुम्हारी क्या राय है तुम ये मुझे बताओ। तो डील डन। जैक सुनो यार, ये हम सब बंजर जंगल में आ गए। आगे तो मेरे को बंजर ही बंजर जमीन दिख रही है। प्लेटी एरिया किधर है यार? तुम गलत से नहीं ला दिए, नक्शे के अनुसार सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा आगे और चलना पड़ेगा या ये सफ़र आसान नहीं होने वाला है जैक? यू आर राइट। यार मुझे लग रहा है कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। माइकल हमें अब पहली मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? इतने के लिए इतना आगे आ गया तो तैयार तो हूँ। तो चलते हैं। माइकल हाँ हम प्लेटियो एरिया के काफी करीब आ गए हैं। क्या? हम बस करीब आ गए हैं। अच्छा करीब आ गए हैं। हाँ तो ठीक है यार, मैं बहुत देर तक नहीं रुक सकता।
जैक। चाबी हमें मिलेगी खजाने की, बट मुझे इधर तो कुछ लग नहीं रहा कि जहाँ मुझे चाबी मिल सकती है। माइकल, पहले यहाँ पे कोई रेस्ट करने की जगह ढूंढते हैं। जैक चलो आगे चलते हैं, कोई ना कोई अच्छी जगह तो मिल ही जाएगी। इतने बड़े पत्थर के रेगिस्तान में खजाने की चाबी कैसे दफन हो सकती है? अगर है भी तो हम कैसे ढूंढेंगे? हिम्मत मत हार माइकल, इस मैप के अनुसार खजाने की चाबी इधर ही होना चाहिए। जैक तुम सही बोल रहे हो, और हाँ हम इधर बैठ के क्या कर रहे हैं, चलो ढूंढने चलते हैं। चलो क्या माइकल, क्या हुआ जैक? अगर हमें एक साथ ढूंढेंगे तो काफी समय बर्बाद होगा हमारा। ठीक है मैं उधर जाता हूँ, तुम उधर। दूर से तक कुछ दिख ही नहीं रहा। पेड़ के नीचे यार नक्शे में तो सेम टू सेम पेड़ बना है। यही पेड़ है, नक्शे में यही पेड़ बना है। दिखा नक्शा। ये लो नक्शा। जैक इधर आ, तू जल्दी आ, जल्दी आ। यार ये बुक मेरे सपने में आई थी और यही लाइब्रेरी से गिरी थी, देख ना। और इसमें चाबी, हमने खजाने की चाबी खोज ली है। अभी तो खजाना भी ढूंढना है। अब हमारा दूसरा रास्ता है एक भयानक जंगल, अब हम वो भी पार कर लेंगे। Thank you.
हमें उस दिशा की तरफ चलना होगा। चलो आओ। जैक भाई बोल, हमें कोई अच्छी प्लेस देखनी पड़ेगी यार रहने के लिए, सूरज डूबने वाला है। चल आगे चलते हैं, कोई जगह मिल जाए हमारे लिए। बट मैं टेंट लाना भूल गया, कोई पेड़ के नीचे अच्छी जगह रुक लेते हैं। हाँ ठीक है। माइकल यार तू खाना काफी अच्छा बनाता है। थैंक यू यार, पहली बार तूने मेरी तारीफ की। आखिर किसी चीज में तो आगे हूँ। जैक यार नक्शा पढ़ना बंद कर, मैं मैट बिछाता हूँ फिर सोने चलते हैं ना, काफी रात हो गई है, फिर सुबह उठ चलना भी है। यार मच्छर, अरे तू सो चुपचाप, मेरे को नींद आ रही है। यार जैक किधर गया और मेरा सामान, और मैं इधर कैसे आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकता। बट मैं इधर आया कैसे? इतना बड़ा जंगल है और मेरे पास मैप भी नहीं, मैं कैसे जाऊंगा घर वापस, और मैं कहां आ गया मुझे ये भी नहीं पता। शायद मेरे पास फोन है। बट नेटवर्क, इसे तो नेटवर्क ही नहीं, गैलरी में मैप हो। फिर मैप शायद मुझे इधर से दक्षिण की दिशा में जाना होगा। भूखा मर जाऊंगा, इससे अच्छा यही खा के मरूं। Thank you.
जैकमैन है जिस पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया ना। जैक मैं आ रहा हूँ, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, बचेगा नहीं अब तू। खजाने पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। जैक ज्यादा आगे नहीं गया होगा, मुझे जल्द ही जाना होगा। पहनी कुछ कहना चाहती ना, जंगल के दिल में है बड़ा पेड़, छुपे हुए खजाने की प्रतीक्षा यहाँ छाँव में होती है। अब तक तो माइकल वापस चला गया होगा, क्योंकि मैंने उसका नक्शा चुरा लिया। और साला माइकल अपने आप को हीरो समझता है, और ये खजाने पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। आपका पेज है जो जैक लेकर भाग गया है। इसका मतलब जैक ज्यादा दूर नहीं है, 100% जैक किसी रास्ते से गया है। जैक अब तू नहीं बचेगा मुझसे।
यार ये तो मेरा बैग है। बैग इधर है तो जैक किधर है? और मैं जैक को नहीं छोड़ने वाला। नॉलेज तुझे क्या लगा जाना मैं तुझे इतने आसानी से दे दूंगा? तूने मेरे साथ गद्दारी की, इसका बदला मैं लेके रहूंगा तेरे से। एक विशाल पेड़ में हो क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस क्रॉस। इसका मतलब यही पेड़ है और खजाने का बॉक्स यही होना चाहिए। ये क्या है? ये खजाना मेरा है। ये नहीं हो सकता। What the fuck?